हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ प्रीति। आप देख रहे हैं एग्जाम ट्रेंड यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप लोगों में से बहुत से लोगों ने मैसेज किया था कि साइंस को स्टार्ट किया जाए, जिसमें से बायोलॉजी के तो 3-4 पार्ट अपलोड किए जा चुके हैं, लेकिन फिजिक्स और केमिस्ट्री की काफ़ी डिमांड थी। तो उसको देखते हुए हमने शुरू किया है फिजिक्स को। तो इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और थ्योरी भी, जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होंगे, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होंगे, क्योंकि पूरे फिजिक्स को कवर करना तो मुश्किल है। वो 11th 12th में आप लोग को पता ही होगा कि कितना ब्रॉड उसका सिलेबस है। तो इसलिए हम लोग जो भी हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, वो सभी पॉइंट्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हमारा आज का जो पहला चैप्टर होगा वो होगा मात्रक। क्या होगा? यूनिट। तो दोस्तों, इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे, पहले जो एग्जाम में आए हुए प्रश्न हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होंगे उनको, इसको हम लोग कई पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो आज सिर्फ हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि शक्ति का मात्रक क्या है? शक्ति का मात्रक क्या है? तो इसमें हमारा सही आंसर है कि शक्ति का मात्रक क्या है? वाट। हम जानते हैं दोस्तों कि शक्ति बराबर क्या होता है? शक्ति बराबर पावर इज इक्वल टू होता है वर्क अपॉन टाइम। तो इसलिए शक्ति का जो एसआई मात्रक है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। जब हम लोग पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे, एसआई मात्रक हो गया, एमकेएस, सीजीएस, एफपीएस, इन सभी मात्रकों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जो शक्ति का मात्रक वाट है, वो एसआई मात्रक है, जिसका बराबर क्या होता है कि जूल प्रति सेकेंड होता है। जिसके बराबर क्या होता है? जूल प्रति सेकेंड। फिलहाल इसमें जो हमारा सही आंसर क्या है, शक्ति का मात्रक वाट है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि बल का मात्रक क्या है? बल का मात्रक क्या है? तो हम जानते हैं कि बल का मात्रक है न्यूटन। क्या है बल का मात्रक? न्यूटन। बल बराबर होता क्या है? बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। क्या होता है? द्रव्यमान गुणे त्वरण, या एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए। हमारा अगला क्वेश्चन है कि कार्य का मात्रक क्या है? कार्य का मात्रक क्या है? तो हम जानते हैं कि कार्य का मात्रक जूल है। आप लोग को कंफ्यूजन होगी कि ऊर्जा का भी मात्रक जूल है। हाँ, ऊर्जा का और कार्य दोनों का मात्रक जूल है। बाकी इसमें हम जानते हैं कि वाट शक्ति का मात्रक है और डाइन बल का मात्रक है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि प्रकाश वर्ष इकाई है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो हम जानते हैं कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? दूरी की इकाई है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? दूरी की इकाई है। एक प्रकाश वर्ष होता क्या है दोस्तों? एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी को 1 लाइट ईयर कहते हैं। प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। एक प्रकाश वर्ष बराबर, कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू क्या होता है? तो 9.46 × 10⁻¹⁵ मीटर। क्या होता है? 9.46 × 10⁻¹⁵ मीटर। इसके बाद हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन कि एक पारसेक तारों संबंधी दूरियां मापने के बराबर है। एक पारसेक तारों संबंधी दूरियां मापने का मात्रक इनमें से किसके बराबर, मतलब कि एक पार के पारसेक बराबर इनमें से क्या होता है? तो इसमें जो हमारा सही आंसर है वो है 3.25 प्रकाश वर्ष। क्या है? 3.25 प्रकाश वर्ष। दोस्तों, इससे पारसेक से खगोलीय दूरी को मापा जाता है। पारसेक से खगोलिक, तो अब कभी कभी क्वेश्चन में पूछ सकता है कि पारसेक किस चीज का मात्रक है, तो दूरी मापने का मात्रक क्या है? पारसेक। उसके बाद बात करते हैं कि 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू क्या होता है? 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू कितने सेंटीमीटर है? तो हम जानते हैं कि 1 नैनोमीटर में कितना सेंटीमीटर होता है? 10⁻⁷ सेंटीमीटर। कितना है? 10⁻⁷ सेंटीमीटर। हमारा अगला क्वेश्चन है कि एम्पियर मापने की इकाई है। एम्पियर किसको मापने की इकाई है? तो हम बहुत पहले से ही जानते हैं कि एम्पियर विद्युत धारा मापने की इकाई है। एम्पियर किसको मापने की इकाई है? एम्पियर विद्युत धारा मापने की इकाई है। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि मेगावाट बिजली मापने की इकाई है। मेगावाट से जब हम बिजली को मापते हैं, तो वो कौन सी बिजली होती है? उत्पादित की जाने वाली बिजली, उपभोग की जाने वाली बिजली, बचत की जाने वाली बिजली, या इनमें से
कोई नहीं, तो इसमें जो हमारा सही आंसर होगा, उत्पादित की जाने वाली बिजली को जब हम मापते हैं तो किसमें मापते हैं, मेगावाट में। उत्पादित की जाने वाली बिजली को हम किसमें मापते हैं, मेगावाट में। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि सूची वन का सूची टू से मिलान करें। यहाँ पे हमें कुछ भौतिक राशियां दी हैं और यहाँ पे उनके इकाई दी है, उसको कैसे मापते हैं। तो हमारा जो सबसे पहला है त्वरण। त्वरण को मापते हैं मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। त्वरण को कैसे मापते हैं, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। त्वरण का मात्रक क्या है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। उसके बाद बात करते हैं बल का, तो हम जानते हैं कि बल का मात्रक क्या है, न्यूटन। हम लोग इसके पहले पढ़ चुके हैं कि बल का मात्रक क्या है, न्यूटन। उसके बाद बात करते हैं कृत कार्य की, तो कार्य के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। कार्य और ऊर्जा का मात्रक क्या है, जूल। कार्य और ऊर्जा का मात्रक है जूल। और उसके बाद बचता हमारा आवेग, तो आवेग का क्या मात्रक हो गया, न्यूटन सेकेंड। क्या है, न्यूटन सेकेंड। हमारा अगला क्वेश्चन है कि एसआई यूनिट में कौन सा सही सुमेलित नहीं है। दिया है कि ये जो चार ऑप्शन है ये सभी एसआई यूनिट लिखे गए हैं, जो भौतिक राशियां हैं उनके जो मात्रक हैं वो एसआई यूनिट में है, तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है, इसके बारे में दिया। तो कार्य का मात्रक क्या है, जूल, ये सही है। बल का मात्रक क्या है, न्यूटन, ये भी सही है। द्रव्यमान का मात्रक क्या है, किलोग्राम। दोस्तों दाब का जो मात्रक होता है वो पास्कल होता है। दाब का मात्रक क्या होता है, पास्कल। तो इसमें हमारा ये गलत है कि दाब का मात्रक डाइन नहीं है। हमारा सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी, ये सही सुमेलित नहीं है, दाब का मात्रक पास्कल है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मिलान करें, तो इसमें इकाई दिया है और किसकी इकाई है, मतलब किसका मात्रक है। सबसे पहले दिया है वाट। सबसे पहले क्या दिया है, वाट। तो हम जानते हैं कि वाट किसका मात्रक है, शक्ति का मात्रक है, तो पहले का पहला ही होगा। उसके बाद है नॉट। तो हम जानते हैं कि समुद्री जहाज की गति को नॉट से मापते हैं, समुद्री जहाज की गति को नॉट से मापते हैं। नेक्स्ट है नॉटिकल मील। नौ संचालन की गति को किससे मापते हैं, नॉटिकल मील। नौ संचालन का जो एरिया होता है उसको किससे मापते हैं, नॉटिकल मील से। और उष्मा का मात्रक तो हम जानते हैं कि कैलोरी है, उष्मा का मात्रक कैलोरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है उसमें भी है मिलान करने के लिए, तो सबसे पहले बात करते हैं जूल। तो आप लोग बताइए कि जूल किसका मात्रक है, हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं। जूल किसका मात्रक है, कार्य का। कार्य और ऊर्जा दोनों का मात्रक क्या है, जूल। एम्पियर के बारे में भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया कि एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक है, एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक है। फिर बात करते हैं वाट की, तो वाट मतलब शक्ति या सामर्थ्य। देखिए यहाँ पे शक्ति नहीं दिया है, सामर्थ्य दिया है। हम जानते हैं कि वाट शक्ति का मात्रक है, तो इससे कंफ्यूज नहीं होंगे शक्ति हो या सामर्थ्य हो, क्योंकि आपकी जितनी शक्ति होगी वही आपका सामर्थ्य होगा। फिर बात करते हैं वोल्ट, तो वोल्ट का मात्रक, वोल्ट किसका मात्रक है, विभवांतर का। फिर कैलोरी, तो हम लोग पढ़ चुके हैं कैलोरी किसका मात्रक है, उष्मा का। एक आता है नया एंगस्ट्रॉम, ये प्रकाश के तरंग दैर्घ्य का मात्रक है। एंगस्ट्रॉम किसका मात्रक है, प्रकाश के तरंग दैर्घ्य का। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है, तो इसे आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। उसके बाद हमारा जो अगला क्वेश्चन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सिंपल भी है, कि एक हार्स पावर में कितने वॉट होते हैं, एक हार्स पावर में कितने वॉट होते हैं। तो 1 HP इज इक्वल टू होता है 746 वॉट। एक हार्स पावर बराबर कितना होता है, 746 वॉट। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची एक का सूची दो से मिलान करें। इसमें भौतिक राशियां दी हैं और उनके मात्रक दिए हैं। उच्च वेग का मात्रक मैक होता है, तो ये सही है। उच्च वेग का मात्रक क्या होता है, मैक। तरंग दैर्घ्य का मात्रक अभी हमने पीछे ही पढ़ा है कि तरंग दैर्घ्य का मात्रक क्या होता है, एंगस्ट्रॉम। तरंग दैर्घ्य का मात्रक क्या होता है, एंगस्ट्रॉम। उसके बाद है दाब, तो दाब का मात्रक क्या होता है, पास्कल। इसको भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। और उसके बाद फिर है हमारा लास्ट ऊर्जा। तो हमने बात किया था कि ऊर्जा और कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल होता है।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक माइक्रोन किसके बराबर है? एक माइक्रोन निम्न में से किसके बराबर है? तो एक माइक्रोन जो बराबर है ये है 1/1000 मिलीमीटर। किसके बराबर है? 1/1000 मिलीमीटर के बराबर क्या है? एक माइक्रोन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो हम जानते हैं, सबसे पहले देखते हैं डेसिबल क्या ध्वनि की प्रबलता का मापक है। हाँ, डेसिबल से क्या मापते हैं? ध्वनि की प्रबलता। उसके बाद बात करते हैं अश्व शक्ति या हॉर्स पावर, तो ये शक्ति की इकाई है। हाँ, हॉर्स पावर शक्ति की इकाई है। बात करते हैं समुद्री मील की, तो यह नौ संचालन में दूरी की इकाई है। ये भी सही है। जाहिर सी बात है, जब ये तीनों सही है तो हमारा इसमें जो रॉन्ग होगा वो क्या होगा? सेल्सियस ऊष्मा की इकाई नहीं है। सेल्सियस ऊष्मा की इकाई नहीं है। सेल्सियस से हम ताप को मापते हैं, जबकि ऊष्मा की इकाई क्या है? कैलोरी। ऊष्मा की इकाई क्या है? कैलोरी। इसमें जो हमारा सही आंसर होगा कि ऑप्शन नंबर डी सही सुमेलित नहीं है। उसके बाद बात करेंगे एक पिकोग्राम किसके बराबर होता है? एक पिकोग्राम किसके बराबर होता है? तो हम जानते हैं 1 पिकोग्राम 10^-12 ग्राम के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? 10^-12 के बराबर होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि पारिस्थितिक दाब की इकाई क्या है? पारिस्थितिक दाब की इकाई क्या है? तो हम जानते हैं कि दाब की जो इकाई होती है वो पास्कल है। हमने इसके बारे में डिस्कस कर चुका है कि दाब की इकाई क्या है? पास्कल है। लेकिन यहाँ दिया है पारिस्थितिक दबाव की इकाई क्या है, तो इसकी इकाई क्या है? बार है। पारिस्थितिक दबाव की इकाई क्या है? बार। तो 1 बार बराबर कितना होता है? 10^5 पास्कल। 1 बार बराबर कितना होता है? 10^5 पास्कल। इसे याद रखिएगा। वैसे क्वेश्चन जो बनता है वो बस यही बनता है कि पारिस्थितिक दबाव किसके बराबर है। हमारा अगला क्वेश्चन है तेल का एक बैरल लगभग कितना होता है? तेल का एक बैरल लगभग कितना है? तो 159 लीटर होता है। चूंकि ये होता है 158 दशमलव समथिंग, लेकिन इसको जब हम लोग लेते हैं तो कितना लिखते हैं? 159 लीटर। फिर बात करते हैं लंबाई की न्यूनतम इकाई क्या है? लंबाई की न्यूनतम इकाई क्या है? तो इसमें जो ऑप्शन दिए इसमें फर्मी मीटर है। लंबाई की न्यूनतम इकाई क्या है? फर्मी मीटर। क्योंकि 1 फर्मी मीटर बराबर होता है 10^-15 मीटर, और जबकि एंगस्ट्रॉम कितना होता है? 10^-10 मीटर। नैनोमीटर कितना होता है? 10^-9 मीटर, और माइक्रोन का 10^-6 मीटर। तो इसमें सबसे छोटा क्या है? 10^-15 मीटर। उसके बाद हमारा जो क्वेश्चन है कि सूची एक का सूची दो से मिलान करें। Q6 से क्या मापते हैं? Q6 से क्या मापते हैं? तो दोस्तों Q6 से पानी के बहाव की दर मापते हैं। पानी के प्रवाह की दर हम लोग Q6 से मापते हैं। बाइट कोई भी देखेगा तो उसे पता रहेगा कि बाइट कंप्यूटर से रिलेटेड शब्दावली है। ठीक है, रिएक्टर भी हम सभी जानते हैं। भूकंप की तीव्रता मापते हैं। बार, अभी हम लोगों ने बात किया है कि पारिस्थितिक दबाव को किससे मापते हैं? बार से। और फिर बचता हमारा डाब्सन। डाब्सन से क्या मापते हैं? ओजोन परत की मोटाई। डाब्सन से क्या मापते हैं? ओजोन परत की मोटाई। इसी के साथ दोस्तों हमारा ये वीडियो समाप्त होता है। ये मत सोचिएगा कि आपको मापक में सिर्फ इतने ही चीजें पढ़ाई जाएंगी, इसमें अभी 2 वीडियो और बनेगा। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में आ चुके हैं। बाकी थ्योरी को भी हम लोग बहुत ही अच्छे से कवर करने वाले हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।